भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई ब्रीज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर द वन फॉर ऑल स्कूटर, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेस प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर, 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी, मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बैहर विकासखंड में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वही अब चुनाव को लेकर अधिकारियों के द्वारा तैयारियां की जा रही है। बैहर क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां पर निरंतर पुलिस जवानों के द्वारा चुनाव से पहले सर्चिंग की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बैहर तहसील में कुल 145 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 6 जनवरी को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसे लेकर क्षेत्र को 3 वर्गों में भी बांटा गया है। इसमें सामान्य इलाकों में जहां जिला पुलिस बल के द्वारा सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली जा रही है, तो वही नक्सल प्रभावित और अति नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों में हाफ फोर्स CRPF के अलावा अन्य पुलिस बलों के द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। पिछले 2 महीनों में नक्सलियों ने जिले में हत्या और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे चुनाव पूर्व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसे लेकर पुलिस जवान गश्ती में लगे हुए हैं। बैहर SDOP आदित्य मिश्रा ने बताया कि हमने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है, जो कि शीघ्र ही पूरी हो जाएगी, जिससे हमें सर्चिंग में मदद मिलेगी। जो अभी 3 स्तरीय पंचायती चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो पहली चरण में चुनाव होना है 6 तारीख को, उसमें 145 पोलिंग लोकेशंस जो हैं वो बैहर में आते हैं, जिसमें हमने पोलिंग स्टेशंस को 2 तरीके से बांटा है, एक संवेदनशील, एक सामान्य और एक अति संवेदनशील। इसमें हमने पिछले 1 साल का नक्सल मूवमेंट, यहाँ नक्सल गतिविधियाँ किस तरह की रही हैं, या हमें किस तरह की नक्सलियों के बारे में सूचना प्राप्त होती रही है इन क्षेत्रों से, उसको आधार मानते हुए हमने सभी पोलिंग स्टेशंस को बांटा है। और इसके लिए हमने एक्स्ट्रा फोर्स के लिए भी डिमांड की है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द हमें एक्स्ट्रा फोर्स भी मुहैया कराई जाएगी। तो सभी जगह हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो वोटिंग है और जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव की, वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छे से हो सके। और जहाँ भी हमें लग रहा है कि नक्सल मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग सघन सर्चिंग कर ही रहे हैं, फोर्सेस डिप्लॉय हैं, और अधिक मात्रा में और ज़्यादा सर्चिंग, रोड ओपनिंग की जो कार्रवाई होती है उसको हम करते रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 6 जनवरी 2022 को जिले के 4 विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वाराशिवनी एवं खैरलांजी में चुनाव संपन्न होगा, तो वही दूसरे चरण में विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण वाली सीटों को छोड़कर शेष स्थानों पर पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए चुनाव कराया जाएगा। इन विकास खंडों से पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ने की दिशा में 23 दिसंबर 2021 को अपराह्न 3 बजे तक अपने नाम भी वापस ले सकेंगे। इसी क्रम में नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मूल निवासी संघ बालाघाट के द्वारा OBC के संवैधानिक अधिकारों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में मूल निवासी संघ के पदाधिकारी राजेश मरार और नरेंद्र जामरे ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले न्यायाधीश सत्ता के इशारे पर निर्णय कर रहे हैं, इसकी सबसे बुरी मार देश की बहुसंख्यक आबादी यानी कि OBC पर पड़ रही है।
खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसका सामाजिक और राजनीतिक नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना पड़ रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव रद्द कर दिए है, यह एक प्रकार से संविधान विरोधी निर्णय है। आज देश में ओबीसी की आबादी 64% से अधिक हो गई है, बावजूद इसके बगैर विधिक परामर्श के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के निर्वाचन पर रोक लगा दी गई। यह आदेश संविधान के अनुरूप नहीं है और न्याय संगत भी नहीं, इसी को लेकर आज उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर मूल निवासी संघ से बीएल पंचे, जेआर घरते, डीएल मानेश्वर, आरबी ढोके, देवानंद उके और देवनाथ पंचेश्वर भी मौजूद रहे। लागू करो ओबीसी का आरक्षण, लागू करो, लागू करो, लागू करो ओबीसी का आरक्षण, लागू करो, लागू करो, लागू करो। मध्य प्रदेश में इतने सारे हमारे ओबीसी के नेता जीत के जाते, कुछ मंत्री है, बालाघाट के तो एक मंत्री भी है और ओबीसी जिला प्रदेश ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भी है। इतने होने के बावजूद भी वहाँ पे वो मनुवादियों की घंटी हिलाते हैं संविधान सभा में जाके, ना ओबीसी के हक अधिकार के बारे में बोल सकते हैं। वो वहाँ पे आँख होने के बाद भी अंधे हैं, मुंह होने के बाद भी बहरे हैं, मुंह होने के बाद भी गूंगे, कान होने के बाद भी बहरे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि आज वो खुद अच्छे से जी रहे हैं, उनका परिवार अच्छे से जी रहा है, लेकिन आने वाले समय में उनके परिवारों का परिवार का बहुत बुरा हाल होगा अगर इसी तरीके से हमारे ओबीसी के एससी एसटी के हक अधिकार छीन लिए जाएंगे। आज देखिए यहाँ पे ओबीसी का जवान युवा लड़का जो है वो राम मंदिर, मस्जिद मंदिर, गौ गोबर, गौ माता, हिंदू मुसलमान, पथ संचालक इसी में ही भिड़ा हुआ है। उसको ये नहीं मालूम हिंदुत्व में भिड़ा हुआ, उसको ये नहीं मालूम कि उसको इसी ही चादर उड़ा के उसके हक अधिकार काट रहे हैं, हक अधिकार छीन रहे हैं। और आज आप हालत देख लो कि ओबीसी का जवान लड़का, युवा लड़का नज़र नहीं आ रहा है। और आप ये देख लीजिए यहाँ पे ओबीसी के लिए जो बुज़ुर्ग लोग आए हैं, अधेड़ लोग आए हैं, हम जैसे लोग आए हैं, सोचिए कि ओबीसी का खुद आदमी कितना अपने हक अधिकार के लिए जागरूक है। अगर वो नहीं जागा तो उसका ऐसे ही हक अधिकार छीन लिया जाएगा। कि मध्य प्रदेश में हाल ही में जो अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे उसमें ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था और जो मिला हुआ था उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो कटौती कर दी गई, उसको नष्ट कर दिया गया। चूँकि ये कानून के खिलाफ है, न्याय संगत नहीं है, कानून संगत नहीं है, और इसीलिए जो है मूल निवासी संघ के द्वारा जो है आज महामहिम राज्यपाल जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम और मुख्य निर्वाचन आयोग के नाम जो है हम लोगों ने ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है ताकि ओबीसी को जो है उसका अधिकार मिल सके, उसको रिजर्वेशन मिल सके। दूसरी बात ये है कि 1993 में 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायतों को भारत में संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और साथ ही उस संविधान संशोधन से जो है 1993 के तहत जो है तीनों वर्गों को और महिलाओं को ले भी जो है रिजर्वेशन की उसमें व्यवस्था की गई थी। और ये जो है एक पूरी जो है एक संवैधानिक प्रोसेस है जिसके तहत कानून इस देश के अंदर में बनाया जाता है। अगर ओबीसी के आरक्षण को ख़त्म करना था तो आपको पहले संसद में बिल लेके आना चाहिए था, उस पर वोटिंग होती, अगर बहुमत से अगर वो पास हो जाता तो आप ओबीसी के आरक्षण को आप ख़त्म कर सकते थे। लेकिन आपने इन प्रोसेस से गुजरे बिना आपने डायरेक्ट ओबीसी के अधिकारों की कटौती कर दी, उनके आरक्षण को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं उसके बावजूद आपको न्याय की समझ नहीं है, आपको संविधान की किताब को पढ़ने की ज़रूरत है माननीय न्यायालय का, मुझे ऐसा लगता है। सर्व आदिवासी समाज बालाघाट के द्वारा आगामी 25 दिसंबर को शहर के नूतन कला निकेतन में प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वनाथ वाकड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर नसीब कुमरे आदिवासी धर्म संस्कृति विशेष रूप से शामिल होंगे। इस संबंध में आज सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भुवन कोराम ने पत्रकारों से चर्चा की। जो अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद है जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है भारतीय जो जनगणना है उस जनगणना प्रपत्र में अलग से धर्म जो कॉलम है उसमें अलग कॉलम जो हटा दिया गया है
उस कॉलम को पुनः स्थापित करने के लिए मुख्य उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में अभी पैसा एक्ट ड्राफ्ट किया गया है जिसमें किसी भी आदिवासी मंत्रणा परिषद या फिर किसी भी आदिवासी जो विधायक जो गण विधानसभा के होते हैं उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ये एक कहना चाहिए गुपचुप रूप से उसको ड्राफ्ट किया गया है जिसमें जो 1996 में जो दिलीप सिंह भूरिया जी ने का जो ड्राफ्ट था उसकी मूल भावना को ख़त्म कर दी गई है और सरकार ने सारे जो उसमें कमांड है वो अपनी ओर ले लिए हैं जिसमें कि स्वशासन का मूल मंत्र है, मूल भावना उसकी स्वशासन की है, उस स्वशासन का जो अधिकार है उसको छीन लिया गया है। तो उस पर भी पूरी परिचर्चा राष्ट्रीय लेवल पे होनी है और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं हमारे जो वन अधिकार अधिनियम के हैं, साथ साथ भू आचार संहिता है और एट्रोसिटी एक्ट है, ये सारे और गौण खनिज का जो मामला है, ये सारी चीज़ों को लेके कार्यक्रम में परिचर्चा होने वाली है। इसमें 18 प्रांत के हमारे जो मेहमान हैं वो आने वाले हैं जो राष्ट्रीय लेवल के कार्यकर्ता हैं और मध्य प्रदेश से 36 जिलों की सहमति बनी है जिसके सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचने वाले हैं।